لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. आगे बढ़ने से पहले तमाम मर्दों और ख्वातीन से अर्ज करूंगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे मदारिस के जिम्मेदारान और मदारिस के सुफरा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते थे, आपकी अल्लाह के लिए निकाली हुई ज़कात और आपके सदक़ात और सदक़तुल फ़ित्र और दूसरे सदक़ात को जमा करने के लिए, जिनके ज़रिए मदारिस का पूरे साल का बजट पूरा होता है। ये बात जहन में रखें कि ये मदारिस इस्लामिया हमारा नहायत कीमती असासा है, ये हमारे लिए हमारे घर से ज्यादा कीमती है, ये हमारे लिए हमारे महल्ले की मस्जिद से ज्यादा कीमती है, ये हमारे लिए हमारे कारखानों से और हमारी दुकानों से और हमारी फैक्ट्रियों से और हमारे सारे कारोबार से ज्यादा कीमती है। इसलिए कि अगर मदारिस न रहे खुदा न खास्ता तो मस्जिदों में इमाम कहां से आएंगे, मस्जिदों में मुअज्जिन कहां से आएंगे, मस्जिदों में तरावी पढ़ाने वाले कहां से आएंगे और मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले कहां नमाज सीखेंगे, कहां रोजे का तरीका सीखेंगे, किससे मसाइल मालूम करेंगे, कौन आएगा मुर्दों को कफन पहनाने के लिए, कौन आएगा गुस्ल देने के लिए, कौन आएगा नमाज जनाजा सिखाने के लिए, कौन आएगा ईदैन की नमाज सिखाने के लिए। ये मदारिस हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये मदारिस हमारे इस्लामी वजूद की बुनियाद है। इसलिए अगरचे इस रमज़ानुल मुबारक में सुफरा सफ़र नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर, जिस तरह इस लॉकडाउन के ज़माने में भी हम अपने घर वालों का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, हम महदूद वक्त में जाकर के अपना सामान खरीद रहे हैं, इसी तरह ज़कात तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, आप ज़कात निकालें, आप और सदक़ात निकालें और अपने पास महफूज रखें, और जिन मदारिस का आप तआवुन किया करते थे आप बाज़ार से सादे लिफाफे ले लें और इन लिफाफों के ऊपर उन मदारिस का नाम लिख लें और उनका तआवुन निकाल के रख लें, बल्कि कोशिश करें कि जितना करते थे अल्लाह अगर फ़ज़ल फ़रमाए और अल्लाह गुंजाइश दे तो उससे कुछ बढ़ा करके वो तआवुन करें, और बाद में जब वहाँ के ज़िम्मेदार आना है तो उनके हवाले कर दें, या उन लोगों से राबता करके अगर उनका अकाउंट नंबर हो तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन इसकी पूरी कोशिश करें कि मदारिस के चंदे में कमी ना आने पाए, इसलिए कि ये मदारिस हमारे इस्लामी वजूद के लिए रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह ताला इन मदारिस को बाकी रखें, इन्हीं मदारिस की बरकत है कि आज हमारी ज़िंदगियों में दीन नज़र आ रहा है, इन्हीं मदारिस की बरकत है कि आज जमातें चल रही हैं, उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, मुफ्तियान किराम में मस्जिदें आबाद हैं, मस्जिदों में अइम्मा हैं, मुदर्रिसीन हैं, ये इन्हीं मदारिस से इस्लामिया की बरकत है। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि पूरी कोशिश करें कि कोई मदरसा ईद के बाद इस वजह से तकलीफ में ना आने पाए कि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास असातिज़ा को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, इस वजह से हम तलबा का दाखिला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनका इंतज़ाम नहीं कर सकते। अल्लाह न करे कि ये वक्त आए, अल्लाह न करे, और अगर खुदा न खास्ता हमारी किसी सुस्ती की वजह से ऐसा कुछ हुआ तो ये मिल्लत का इज्तिमाई खुदकुशी का फैसला होगा, अल्लाह ताला पूरी मिल्लत की हिफाजत फरमाए। इसी तरह हमारे महल्ले की जो मस्जिदें हैं, आप ख्याल फरमाएं कि उन मस्जिदों के इमामों की और वहाँ के खुद्दाम की जो तनख्वाहें अदा होती हैं वो आम तौर से जुमे के चंदे से होती हैं। अब इस वक्त चूँकि जुमे के इज्तिमाआत नहीं हो रहे, मस्जिदों में चंदा नहीं जमा हो रहा, तो इसका एहतमाम करें कि जिस तरह हम अपनी सारी ज़रूरियात पर खर्च करते हैं, हम जुमे में जो चंदा देते थे वो चंदा जमा करें और बाद में जाकर मस्जिद के जिम्मेदारान तक पहुंचा दें। खामोशी के साथ हम अपनी मस्जिदों के खुद्दाम और अपनी मस्जिदों में काम करने वाले, जिन्होंने बेचारों ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए खपा दी हैं, जो कोई और काम नहीं कर सकते, और अगर वो दूसरे कोई काम करने लगे, उनके अंदर सलाहियतें हैं, वो दूसरे काम कर सकते हैं, वो दूसरे काम करके अपने बाल बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर दीन के कितने बड़े तकाजे हैं जो बाकी रह जाएंगे, जिनको पूरा करने वाला कोई ना होगा। तो उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया हुआ है। तो रमज़ानुल मुबारक में ईद के मौके पर खामोशी के साथ जिस तरह हम अपनी ज़रूरतों का ख्याल करते हैं, दीन के उन खादिमों की ज़रूरतों का ख्याल करें और उनकी इतनी इज्जत अफजाई के साथ, उनके इतने एहतराम के साथ उनकी ज़रूरत पूरी करें कि उनको ऐसा कभी महसूस ना हो कि ये हमको ज़रूरतमंद समझ करके दे रहे हैं। और वाकई हम उनको ज़रूरतमंद समझ करके क्यों दें, ज़रूरतमंद तो हम
हमें, जरूरत तो हमारी पूरी हो रही है, उनके जरिए से अल्लाह ताला हमारी और हमारे नस्लों की दीनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, इसलिए हम जरूरतमंद हैं कि हम उनको, अगर हम किसी डॉक्टर को फीस देते हैं तो डॉक्टर को सदका समझ कर नहीं देते, अपनी जरूरत समझ करके देते हैं कि डॉक्टर हमारी खातिर बैठा है। किसी वकील से हम मशवरा लेते हैं, उसको फीस देते हैं तो अपनी जरूरत समझ के देते हैं कि भाई ये वकील साहब बैठे हुए हैं हमको मशवरा देने के लिए, हमको कानून बतला रहे हैं। इसी तरह ये जो दीन के खुद्दाम हैं, ये जरूरतमंद नहीं है कि हम उनकी मदद करें, हम जरूरतमंद हैं कि हम उनकी खिदमत करें ताकि वो दिलजमी के साथ दीन की खिदमत में लगे रहें। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से, आप लोग पहले से भी करते थे, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जुमे के चंदों का भी अहतमाम करें, अपने पास जमा करें और अपनी मस्जिदों में पहुँचाएँ। मस्जिदों के खुद्दाम, मस्जिदों के अइम्मा और मस्जिदों के मौज़िनीन, उनका भी ख्याल रखें। जो चंदे के ज़रिए उनकी तनख्वाहें अदा होती हैं वो तो होंगी, उसके अलावा भी रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, दूसरों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा